सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। काफ़ी लंबा वक्त हो गया है मैंने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, और मुझे पता है आप सभी को पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा था, काफ़ी कम्युनिटी पोस्ट डाले हैं मैंने बीच में, और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और दर्दनाक है, और उसे मैं लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाऊँगा। और अभी जो है मैं उस बारे में बात करने के लायक नहीं हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे कि अभी माइंड की सिचुएशन क्या है, इसलिए उस बारे में बात नहीं करेंगे। थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो कुछ भी हुआ था मैं आपको बताऊँगा इन फ्यूचर, जब दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा और हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अभी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, आप समझ ही सकते हैं जब ऐसा समय आता है तो सिचुएशन कितनी ज़्यादा गड़बड़ा जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद जो है मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। हो सकता है आवाज़ भी आपको 19-20 लगे, और तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो चलिए कहानी जो है वो शुरू करते हैं, अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभिषेक एक 25 साल का लड़का था, और उसे सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो हमेशा ऐसी चीज़ें ढूंढता था जिसे करके वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाए। फेमस होने के लिए वो काफ़ी हॉन्टेड जगह पर जाता था, और वहाँ पर जाकर उस जगह की वीडियो बनाता था, और साथ ही साथ उसे इंटरनेट पर अपलोड करके लोगों के सामने उस जगह की सच्चाई को रखता था। वो कई सारी भूतिया जगहों पर जा चुका था, और वहाँ पर उसे कोई डरावनी चीज़ नहीं मिली थी। वो जहां भी जाता था वहां शांति से रात गुजार कर आ जाता। उसका जो आत्मविश्वास था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, और काफी भूतिया जगहों पर जाकर वहां की सच्चाई को सामने रखने के बाद उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उसके फैंस जो थे वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। एक शाम अभिषेक बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, वो अपने आने वाले टाइम में ऐसा क्या करे जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। वो इसी बारे में सोच रहा था तभी अचानक से उसे एक मूवी के बारे में पता चला, और वो मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट थी। उस मूवी के चर्चे जगह जगह पर थे, वो मूवी ट्रेंड कर रही थी। अभिषेक ने उस मूवी के बारे में पता किया, और फिर उसने जब उस मूवी का ट्रेलर देखा तो उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, और उसके बाद मूवी के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए वो थिएटर में पहुंच गया। मूवी का नाम था कंतारा, एक ऐसी मूवी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। वो मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हो रही थी, लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। उस मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पुरानी प्रथा के बारे में दिखाया गया था। उस प्रथा में एक समारोह का आयोजन किया जाता है, और उस आयोजन को बुधा कोला कहा जाता है, और उस समारोह में एक व्यक्ति का शुद्धिकरण किया जाता है, और फिर वो आदमी सज धज कर तैयार होता है, और सज धज कर तैयार होने के बाद वो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में डेमी गॉड इंटर कर जाते हैं और शरीर को पोसेस कर लेते हैं। उसके बाद में वो आम लोगों की समस्या सुनते हैं और साथ ही साथ उसका समाधान भी करते हैं। हर साल ये समारोह किया जाता है जिसे भूता कोला कहा जाता है। कंतारा मूवी में यही सब दिखाया गया था, और ये सब देखने के बाद अभिषेक को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। उसे लगा कि ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो ऐसी जगहों पर जाएगा जहाँ पर भूता
कोल्हा का आयोजन किया जाता है और वहां जाकर वो वीडियो बनाएगा और साथ ही साथ पता लगाएगा कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है या सिर्फ लोगों को पागल बनाया जा रहा है। अभिषेक ने पता किया और उसके बाद उसे एक ऐसे गांव के बारे में पता चला जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था। वहां के लोग एकदम सादा जीवन जीते थे, शहरी दुनिया से बिल्कुल दूर। वहां पर इस भूता कोला का आयोजन किया जाता है, इस बारे में अभिषेक को पता चला। अभिषेक ने वहां जाने की तैयारियां जो थी वो शुरू कर दी। उसने अपना सामान पैक किया और उसके बाद वो उस गांव के लिए निकल पड़ा। उसने फ्लाइट की टिकट बुक करी और सीधा उस जगह पहुंच गया। उसने वहां का नज़ारा देखा, वो जगह खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा थी लेकिन वहां पर सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा कम थी। वहां पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और आने जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था, जिसकी वजह से कई कई किलोमीटर पैदल ही अभिषेक को चलना पड़ रहा था। लेकिन अभिषेक ने ठान लिया था कि वो इस भूता कोल्हा के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करेगा और सच का पता लगाएगा कि आखिर ये सब सच में होता है या नहीं। चलते चलते उसके पैर जो थे वो दुखने लगे थे और अभिषेक काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने आधुनिक दौर में ये गांव कैसे इतना पिछड़ा है, यहां पर कोई भी साधन नहीं है। अभिषेक के पास और भी कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से वो पैदल पैदल चलता गया और काफी देर चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचा जो कि एक जंगल के अंदर बसा हुआ था। वहां के लोग एक अलग भाषा बोल रहे थे और अभिषेक को वो भाषा समझ नहीं आ रही थी। अभिषेक ने उन लोगों से बात करने की कोशिश करी। वो एक आदमी के पास गया और अभिषेक ने कहा, जरा सुनिए, मेरा नाम अभिषेक है, मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूँ। उस आदमी ने अभिषेक की शक्ल देखी और उसे कुछ समझ नहीं आया। उस गांव के सारे लोग अभिषेक के पास आने लगे और अपनी भाषा में कुछ कहने लगे। अभिषेक को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी वहां पर एक लड़का आया और उस लड़के ने कहा, आप कौन हैं और हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी तब अभिषेक ने कहा, अच्छा तो आपको मेरी भाषा समझ आती है, मैं तो घबरा ही गया था। मैं कब से आप सभी से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। और फिर उस लड़के ने कहा, यहाँ के लोगों को बाहर की भाषा नहीं आती, मेरे को आती है, मेरा नाम कार्तिक है। अभिषेक ने कहा, कार्तिक काफ़ी अच्छा नाम है, मेरा नाम अभिषेक है और मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। कार्तिक ने कहा, हाँ जी कहिए, लेकिन सबसे पहले आप आइए, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी मेहमान नवाजी हमारा फ़र्ज है। अभिषेक को गांव के लोगों ने बैठाया और खिलाया पिलाया और खिलाने पिलाने के बाद कार्तिक वहां फिर से आया और फिर कार्तिक ने कहा, जी अब कहिए, आप क्या कह रहे थे, आपको कुछ बात करनी है? हाँ, वो मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग मेरे फ़ैन हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ। मेरा काम ये है कि मैं काफ़ी मिस्टीरियस जगह पर जाता हूँ और मिस्टरीज को सॉल्व करता हूँ और अपने ओपिनियंस देता हूँ। हाल ही में मुझे भूता कोल्हा के बारे में पता चला है और मैं उसके बारे में डिटेल में जानना चाहता हूँ और उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। क्या सच में कोई गॉड ह्यूमन बॉडी को पोसेस करके उसके अंदर आ जाते हैं या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? और जब ये बात कार्तिक ने सुनी तब कार्तिक ने कहा, थैंक गॉड यहाँ के लोगों को आपकी भाषा समझ नहीं आती, वरना अभी ना जाने क्या हो जाता। अभिषेक ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिसके जवाब में कार्तिक ने कहा, आप सरेआम हमारी आस्था को अंधविश्वास कह रहे हैं तो मैं क्या ही कहूँ, अब यह हमारी आस्था है।
और इसके बारे में हम एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते। और फिर अभिषेक ने कहा, अरे अरे आप तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं आपकी आस्था को अंधविश्वास नहीं कह रहा हूं, बस मुझे जानना है और कुछ भी नहीं। आपकी जो आस्था है मैं उसका आदर करता हूं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। और फिर कार्तिक ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, आपको भूता कोला देखना है ना? ठीक है, आप काफी सही वक्त पर आए हैं क्योंकि कुछ ही दिनों बाद भूता कोला का आयोजन किया जाने वाला है। आप खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन एक शर्त है। अभिषेक ने कहा, कैसी शर्त? और फिर कार्तिक ने कहा, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ देखेंगे, बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इंटरफेयर किया तो उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। गांव के लोग एक बार गुस्सा हो जाते हैं तो संभालना मुश्किल हो जाता है, और अगर आपने इंटरफेयर किया तो गांव के लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। आपको सिर्फ देखना है, क्या आपको मंजूर है? और फिर अभिषेक ने कहा, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। वैसे कब आयोजन होने वाला है? और फिर कार्तिक ने कहा, कुछ ही दिनों की बात है, 5 दिन बाद। 5 दिन तक आप यहाँ पर रहिए और हमें मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए। कार्तिक ने अभिषेक के रहने का बंदोबस्त किया और उसके बाद कार्तिक ने पूछा, तो ये है आपके रहने की जगह? मैं जानता हूँ आपको ऐसी जगहों पर रहने की आदत नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही घर होते हैं। और फिर अभिषेक ने कहा, अरे अरे घर तो बहुत अच्छा है, और 5-स्टार होटल्स 7-स्टार होटल्स हर जगह रहा हूँ मैं, लेकिन एक बार यहाँ का भी लुफ्त उठा ही लेना चाहिए मुझे, एकदम प्राकृतिक माहौल है यहाँ पर। कार्तिक ने कहा, हाँ ज़रूर आप बैठिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, और उसके बाद मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा और जो भी है आपको यहाँ के बारे में आपको बताऊंगा। कार्तिक वहाँ से चला गया और उसके बाद वो कुछ खाने के लिए लेकर आया। उसने अभिषेक को खाने के लिए वो सारा सामान दिया और अभिषेक एक एक करके सब कुछ ट्राई कर रहा था। कार्तिक उन चीज़ों के बारे में अभिषेक को बता रहा था और वो खाने की चीज़ें अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। अभिषेक ने कहा, अरे वाह ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं, मैंने आज तक कभी चखी ही नहीं, आखिर बाहर चीज़ें ये नहीं मिलती क्या? और फिर कार्तिक ने कहा, नहीं नहीं ये बाहर नहीं मिलता, ये सिर्फ हमारे गांव में ही बनते हैं, और आज से नहीं काफ़ी सालों से बन रहे हैं ये। अभिषेक ने कहा, अरे यार आप इसे बाहर बेच सकते हैं, काफ़ी अच्छी सेल होगी आपकी, बाहर के लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि हमारे भारत के अंदर ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, कितना स्वादिष्ट है ये। और फिर कार्तिक ने कहा, हाँ मैंने सोचा हुआ है मैं अपना बिजनेस करूँगा। अभिषेक ने कहा, हाँ ज़रूर करिएगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे एक बार फ़ोन ज़रूर करिएगा, मैं आ जाऊँगा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और बात करते करते अभिषेक ने कहा, अरे यार मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ अंदर बैठे बैठे, चलो बाहर चलते हैं। और फिर कार्तिक ने कहा, हाँ चलो। वो दोनों बाहर निकल गए और उसके बाद कार्तिक अपने गांव के बारे में अभिषेक को बता रहा था और अभिषेक भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके बातों को सुन रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद अभिषेक और कार्तिक वापस आ गए और फिर कार्तिक ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा गांव पसंद आया होगा, यही था मेरा प्यारा सा गांव। और फिर अभिषेक ने कहा, गांव तो आपका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर घूमने में। और फिर कार्तिक ने कहा, तो चलिए डिनर के बाद अब सोने की बारी है, आराम से सोइएगा, सुबह मैं आपको अपने गांव के बारे में और भी ज़्यादा बातें बताऊँगा, कोल्हा में अभी काफ़ी वक्त है। अभिषेक ने डिनर किया और उसके बाद अभिषेक सो गया, कार्तिक वहाँ से चला गया।
अभिषेक सो रहा था, तकरीबन रात के 1 बजे। उसकी जो आंखें थी वो खुल गई और वो उठकर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी उसे जंगल में से एक आवाज सुनाई थी। और ये आवाज सुनने के बाद अभिषेक को कुछ समझ नहीं आया, वो भागता हुआ घर से बाहर निकला। उसने आसपास का नजारा देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि घने जंगल के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे अकेले जाने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसने देखा एक झाड़ी में 2 लाल चमकती हुई आंखें अभिषेक को घूर रही थी, और उन आंखों को देखकर अभिषेक बहुत ही ज्यादा डर गया और फिर से घर के अंदर आ गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अभिषेक ने वैसी आवाज जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी और वो उस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा डर गया था। तभी अभिषेक ने कार्तिक को आवाज लगाना शुरू किया और काफी बार चिल्लाने के बाद तभी आवाज आई, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? तभी सामने से हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर कोई वहां आने लगा, और सीधा घर के पास आने के बाद जब मशाल के उजाले में अभिषेक ने कार्तिक की शक्ल देखी, तब अभिषेक ने चैन की सांस ली और उसके बाद उसने दरवाजे को खोला और कार्तिक ने कहा, क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है ना? जिसके जवाब में अभिषेक ने कहा, अरे नहीं, मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और मुझे काफ़ी डर लग रहा था उस वॉइस से। मैंने 2 लाल चमकती हुई आंखें भी देखी झाड़ियों में। और फिर कार्तिक ने कहा, 2 लाल चमकती हुई आंखें? अरे तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, अब ये जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवर होते ही हैं, हो सकता है तुमने किसी जंगली जानवर को देखा हो, इतना घबराओ मत। और फिर अभिषेक ने कहा, हाँ ये तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो जंगली जानवर था ठीक है, लेकिन वो आवाज़ किसकी थी? और फिर कार्तिक ने कहा, अरे ये अगर कोई आवाज़ होती तो हम भी सुनते ना, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, मेरा घर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये बगल में ही है, अगर कोई आवाज़ होती तो मैं भी सुनता, तुमने अकेले आवाज़ सुनी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? और फिर अभिषेक ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा कोई वहम है। अच्छा क्या तुम यहीं रह सकते हो, अगर तुम रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। और फिर कार्तिक ने कहा, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं यहीं रहता हूँ। वो दोनों सो गए और उसके बाद सुबह सूरज निकला, और उसके बाद कार्तिक ने अभिषेक को जगाया और कहा, चलो अब उठ जाओ, सुबह हो गई है, आज भी घूमेंगे और तुम्हें किसी से मिलाना है। और फिर अभिषेक उठा और अभिषेक ने कहा, यहाँ पर बाथरूम कहाँ है? और फिर हाँ वो भी है, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जब अभिषेक ने वहाँ का बाथरूम देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो पूरा लकड़ियों से बनाया गया था, और देखकर अभिषेक भी हैरान हो गया कि ऐसा बाथरूम भी बनाया जा सकता है। रेडी होने के बाद कार्तिक और अभिषेक एक घर में गए और अभिषेक ने पूछा, अरे तुम मुझे कहाँ ले आई, ये किसका घर है? और फिर कार्तिक ने कहा, अरे ये आओ मैं तुम्हें मिला ही देता हूँ, ये इनसे मिलो। अभिषेक ने देखा कि एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था और उसकी उम्र लगभग 27-28 साल होगी। अभिषेक ने उस आदमी को नमस्ते कहा और उसके बाद कार्तिक ने कहा, ये वही हैं जो बोधा कोला में तैयार होते हैं, और जो हमारे डेमिकॉड हैं वो इन्हीं की बॉडी में आते हैं। और फिर अभिषेक ने कहा, अच्छा। अभिषेक वहाँ बैठ गया और उसके बाद अभिषेक ने उस आदमी से पूछा, तो आप ही हैं
जो बूथा कोला में लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका हल करते हैं। और फिर अभिषेक की ये बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, भूता कोला में सिर्फ मेरा शरीर ही होता है। जब मैं प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से, तो वो मेरे अंदर आ जाते हैं और उसके बाद वही लोगों की प्रॉब्लम्स का समाधान करते हैं। मैं सिर्फ एक मीडियम की तरह हूँ और कुछ नहीं। वो जब मेरे शरीर में आ जाते हैं तब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि आखिर क्या हुआ था क्या नहीं। जब ये बात अभिषेक ने सुनी तब अभिषेक ने कहा, अच्छा काफ़ी दिलचस्प है, देखने में पता चलेगा कि आखिर क्या होता है क्या नहीं। और फिर उस आदमी ने कहा, जी ज़रूर आप आइएगा और देखिएगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि आप बीच में हस्तक्षेप ना करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गांव वालों को वो बात पसंद आएगी। और फिर अभिषेक ने कहा, जी नहीं मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा और सिर्फ देखूंगा। अभिषेक, कार्तिक और उस आदमी ने कई सारी बातें कही और काफ़ी बातें करने के बाद कार्तिक और अभिषेक वहां से आ गए। रात हो गई और अभिषेक फिर से सोने की कोशिश करने लगा, तभी अभिषेक को एक आवाज सुनाई दी और ये वही आवाज थी जो उसने पिछले रात सुनी थी। अभिषेक उठा और उसने कार्तिक को उठाया, लेकिन काफी बार उठाने के बाद भी कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मौसम जो था वो खराब होने लगा और आसमान में बिजली चमकने की जो आवाज थी वो आने लगी और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। तेज़ हवाएं चलने लगी और तभी अचानक से किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ जो थी वो आने लगी। अभिषेक बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और फिर अभिषेक ने कार्तिक को उठाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। काफ़ी देर तक यही सब चलता रहा, तभी अचानक से उस कमरे का जो दरवाज़ा था वो अपने आप खुल गया और फिर अभिषेक की जो जान थी वो अलग में आके अटक गई थी और वो दरवाजे के बाहर देखने लगा कि आखिर कौन है, तो उसे बाहर सिर्फ तेज बारिश नजर आई और कुछ भी नहीं। तभी अचानक से भारी भारी कदमों के साथ वहाँ एक आदमी को उसने देखा और उस आदमी ने वैसा ही होलिया बना रखा था जैसे कि भूता कोला में बनाया जाता है। वो आदमी धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगा और अभिषेक जो था वो अपने कदमों पीछे लेने लगा। वो वहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था, उसके पैर बहुत ही ज़्यादा भारी हो गए थे। वो सिर्फ कार्तिक को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कार्तिक उठ नहीं रहा था। वो आवाज़ लगा रहा था, कार्तिक कार्तिक कार्तिक, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। वो आदमी चलता हुआ अभिषेक के पास आया और उसने अभिषेक की आंखों में देखा और फिर उसके बाद उसने जोर से चिल्लाया, जैसे ही उस आदमी ने चिल्लाया अभिषेक को एक जोर का झटका लगा और उसकी आंखें जो थी वो खुल गई। अभिषेक ने देखा कि वो पसीने से तरबतर है और वो बिस्तरे पर ही है। वो ये सब सिर्फ एक सपना देख रहा था। वो उठकर बैठ गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद कार्तिक जो था वो भी उठा। उसने अभिषेक को ऐसे बैठा हुआ देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। कार्तिक ने कहा, क्या हुआ अभिषेक, सब कुछ ठीक तो है? तुम काफ़ी डरे हुए लग रहे हो। और फिर अभिषेक ने कहा, नहीं वो मैंने एक डरावना सपना देखा, बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और पता नहीं कोई था जो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो कमरे में आया और उसने पता नहीं ज़ोर से चीखा वो, और वो चीख बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ये वही चीख थी जो मैंने पिछली रात सुनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
और फिर कार्तिक ने कहा, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसी बुरी चीजें सपने में दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना चाहिए, तभी तुम चैन की नींद सो पाओगे। अभिषेक ने कहा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा था यार, मैं तो तुम्हारे साथ आया था और तुमने देखा ना, मेरे चेहरे पे कोई भी फिक्र नजर आ रही थी तुम्हें सोने से पहले। और फिर कार्तिक ने कहा, नहीं तुम तो काफ़ी शांत थे। और फिर अभिषेक ने कहा, हाँ वही तो, अगर मैंने कुछ डरावना सोचा होता तो मुझे समझ आ सकता था कि चलो यार मैंने डरावना सोचा तो मुझे डरावना सपना आया, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं फिर भी इतना डरावना सपना, मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगा। कार्तिक ने कहा, ऐसा मत कहो, सोना तो पड़ेगा ही, वरना सुबह आंखें कैसे खुलेंगी। चलो अब आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। कार्तिक की बात मानकर अभिषेक ने सोने की कोशिश करी और थोड़ी ही देर बाद उसकी जो आंख थी वो लग गई। सुबह सुबह अभिषेक की आंखें खुली और कार्तिक ने कहा, अभिषेक चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मेला दिखाकर आता हूं, शाम को बहुत अच्छा मेला लगेगा, अभी उसी की तैयारी चल रही है। उन दोनों ने ऐसे काफी दिन बिता दिए और हर रात अभिषेक को कोई ना कोई डरावना सपना आता। उसको वही डरावनी आवाज सुनाई देती और दो लाल चमकती हुई आंखें नजर आती। और आखिरकार वही दिन आ गया जिसका अभिषेक को सबसे ज्यादा इंतजार था। शाम के वक्त कार्तिक अभिषेक को लेकर वहां पहुंचा जहां पर भूता कोला का आयोजन हुआ था। वहां पर काफी लोग इकट्ठा थे, लगभग पूरा गांव वहां पर इकट्ठा था और वहां पूजा की जा रही थी। वहां का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था, हर जगह सिर्फ भक्ति भाव ही नजर आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर वही आवाज सुनाई दी। और वो आवाज सुनकर अभिषेक बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि ये वही आवाज थी जिसे वो रोज रात को सपने में सुन रहा था और इस बार उसने हकीकत में वो आवाज सुनी थी। अभिषेक ने कहा, ये तो वही आवाज है जो मैं रोज रात को सपने में सुन रहा था। और फिर कार्तिक ने जब ये बात सुनी तब कार्तिक ने कहा, क्या तुमने ये आवाज सपने में सुनी? ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो क्या सच में? और फिर अभिषेक ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये जो आवाज़ है, ये शाउटिंग की जो आवाज़ है, ये मैंने सुनी है, बहुत रातों से सुनता आ रहा हूँ, जब से यहाँ आया हूँ हर रात मुझे ये आवाज़ सुनाई दी है। तभी उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद अभिषेक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ पर वही आदमी आए जिनके शरीर में वो डेमिगॉड आने वाले थे, वो पूरा सज धज के तैयार थे और उनको देखने के बाद अभिषेक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सजने के बाद वो जो आदमी था वो बिल्कुल उसी आदमी की तरह था जो कि सपने में अभिषेक को दिखाई दिया था। वहां पूजा स्टार्ट हो गई और सारे लोग पूजा करने लगे और अचानक से उस आदमी के शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी और वो कंपन बहुत ही ज़्यादा असामान्य थी। वो कंपन बिल्कुल भी आम नहीं थी, वो कंपन इतनी ज़्यादा थी जो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता था। उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कंपन होने लगी और वो चिल्लाने लगे और उनकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी जिसे काफ़ी दूर से भी आसानी से सुना जा सकता था। वो बार बार चिल्ला रहे थे और हर कोई हाथ जोड़े खड़ा था, सबकी आंखों में आंसू थे, हर कोई भावुक हो रहा था क्योंकि उस आदमी के शरीर में वो डेमिगॉड आ चुके थे। कार्तिक ने कहा, अपने हाथ जोड़ लो,
और जो भी परेशानी है उसके बारे में सोचो। अभिषेक ने ऐसा ही किया और उसके बाद एक एक करके वहाँ आदमी आए और उन्होंने अपनी जो परेशानियाँ थी वो उन डेमी कॉर्ड को बताई। वहाँ पर एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा, प्रभु प्रभु मेरे घर से चोरी हो गई है और काफ़ी पैसे मेरे घर से चुरा लिए गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मेरे सालों की जो कमाई थी वो चोरी हो गई, अब आप ही कुछ बताइए। और तभी उन डेमी गॉड ने कहा, अच्छा तो तुम्हारी कमाई चोरी हो गई है, ठीक है वो तुम्हें मिल जाएगी, थोड़ा धैर्य रखना, अब जाओ यहां से। तभी एक दूसरा आदमी आया और उसने कहा, प्रभु मेरी गाय चोरी हो गई है और वो मेरी काफी कीमती गाय थी, वो दूध देती थी तभी मेरा घर चलता था, लेकिन वो अब मेरे पास नहीं है, उसे कोई ले गया, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। और फिर उन डेमी गॉड ने कहा, तुम्हें तुम्हारी गाय 2 दिन में मिल जाएगी, अब जाओ यहां से। अभिषेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहां पर जितने भी लोग समस्या लेकर जा रहे थे वो डेमी गॉड उन्हें समस्या का समाधान बताकर भेज रहे थे। सारे गांव वालों ने अपनी समस्या का जो समाधान था वो ले लिया था और अब इजाजत की बारी थी उन डेमी गॉड की। अगर वो इजाजत देते तभी समारोह को खत्म किया जा सकता है। उनसे पूछा गया कि आपको समारोह कैसा लगा। गांव के पुजारी ने डेमी गॉड से पूछा, प्रभु क्या आप खुश हुए हमारे कोला से? और फिर डेमी गॉड ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, ये समारोह काफी अच्छा हुआ, लेकिन अभी इसे खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई है जिससे मुझे बात करनी है। गांव के सारे लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और तभी वो जो डेमी गॉड थे उन्होंने अपना हाथ अभिषेक की तरफ बढ़ाया और उसे अपने पास बुलाया। कार्तिक हैरान हो गया और उससे ज्यादा अभिषेक। वो जो डेमी गॉड थे वो अपने हाथों से इशारा करके अभिषेक को अपने पास बुला रहे थे और अभिषेक बहुत ही ज्यादा डर गया था। अभिषेक घबराता हुआ उनके पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन डेमी गॉड ने कहा, तो बताओ अभिषेक क्या जानना चाहते हो तुम? अभिषेक बहुत ही ज्यादा हैरान था और फिर उन डेमी गॉड ने कहा, क्या हुआ हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता है यही सोच रहे हो? बचपन में तुम एक बार सीढ़ियों से गिर गए थे जिसकी वजह से तुम्हारे सर में काफी चोट आई थी, क्या ये सच है? अभिषेक ने हाँ में सर हिलाया और ये बात बिल्कुल सच थी। और फिर ऐसी ही कई सारी बातें वो डेमी गॉड अभिषेक के बारे में बताने लगे जो बातें सिर्फ बहुत कम लोगों को पता थी। और अभिषेक का जो सर था वो चकराने लगा था। वो जो डेमी गॉड थे वो खड़े हुए और उन्होंने अभिषेक के सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा, हमेशा खुश रहना। और ये कहकर वो डेमी गॉड उसी आवाज में चिल्लाए, और वो आवाज सुनने के बाद अभिषेक बेहोश हो गया। काफी देर बाद अभिषेक की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो जंगल के बाहर पड़ा हुआ था और उसका जितना भी सामान था
वो बगल में रखा हुआ था। अभिषेक अपना सर पकड़ कर उठा और उसने देखा कि एक लेटर उसके पास में था। उस लेटर को खोल के देखा अभिषेक ने, तो उस लेटर में लिखा हुआ था, हमारे डेमिकॉर्ड ने तुम्हें गांव से बाहर ले जाने का आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम वापस कभी भी हमारे गांव में मत आना। तुम हमेशा अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, आज नहीं तो कल। अभिषेक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसके साथ जो कुछ भी घटा था वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था। अभिषेक ने अपना जो सारा सामान था वो उठाया और वहां से चल दिया। उसे एक बात तो समझ आ गई कि काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आज भी इंसान की समझ के बाहर है। तो ये कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।